सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मज़ेदार सी मीठी सेवइयाँ पोटे वाली बनाने सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये पोटे वाली सेवियाँ किस तरह बनाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स दरकार होंगे। सबसे पहले मैं आपको सेवइयों का बताती हूँ। ये सूजी से बनी हुई सेवइयाँ हैं जिसको हमने हाथ के पोटों से बनाया है। इसको बनाने का तरीका जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। चलिए क्विक रिव्यू में देखते हैं कि ये पोटे वाली सेवियाँ किस तरह बनाते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, साफ सुथरी सूजी लेनी है जितनी आप बना सके, जितनी आपसे आसानी से बन सके, थोड़ा सा सादा पानी है, आम ताज़ा पानी, और ये कपड़ा गीला मैंने काट लिया है जिसमें इसको आटे को लपेटना है। इसके गूंदने का तरीका ये है, थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डालकर इसको यूं इस तरह मसल लेना है ताकि इसका दाना अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और यूं करते रहेंगे थोड़ी देर के बाद ना इस ये आटे का दाना ख़त्म हो जाएगा, सूजी का जो दाना होता है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो गया, इसमें दाना ख़त्म हो गया। जिस ये देखिए नरम, इस तरह सॉफ्ट आटा, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त हो। अब मैं इसको थोड़ा सा लेकर ना जितना मैंने अब बनाना है इतना सा लेकर बाकी इसको गीले कपड़े में लपेट दूंगी ताकि आटा खुशक ना हो जाए। इसको अब एक तरफ रख दूंगी। अब इसको मैं बताती हूँ इसका क्या तरीका है बनाने का। इसको ऐसे थोड़ा सा मसल लिया, मसल के फिर ऐसे लंबा सा बना लिया। आपने इस तरह लिया, ये देखे दोनों हाथों से ब्रेक किया, इसको यूं बनाने के बाद आपने इसको खुशक करने के लिए यानी सूखने के लिए चाहे पंखे के नीचे रख लें चाहे दूर में रख लें, रख के तो आप इसे महफूज कर सकते हैं डब्बे में, डब्बे वगैरह में किसी जार में रख कर जब ज़रूरत हो तो पका लें। इसके बाद हमने चीनी ली है। चीनी जो है वो मैंने आधा कप लिया है, आपने हसबे ज़रूरत लेनी है। इसके बाद हम छोटी इलायची लेंगे 1 या 2। इसके बाद हम नारियल लेंगे, नारियल यानी कि कोकोनट। मैंने इस तरह इसको लंबे लंबे कट कर लिए हैं, बारीक बारीक, ये मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और इसके साथ हमने चंद बादाम लेकर उसको इस तरह कट कर लिया, चॉप कर लिया। इसके बाद हमने दूध लिया, दूध मैंने 1 गिलास लिया। चलिए अब देखते हैं इसको पकाना कैसे है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, हम ये सेवइयाँ ऐड करेंगे। अच्छा, अब आपने एक खास बात जो नोटिस करनी है वो ये है कि हमने इसके अंदर कोई घी वगैरह शामिल नहीं किया। इसको आपने सिंपली बस हल्की आंच पर इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। जब भी दूध वाली बनाएंगी सेवियाँ हम इसको बगैर ऑयल या घी के भूनेंगे चूल्हे पर, और फिर जैसे ये भून जाएंगी तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें दूध और चीनी वगैरह ऐड करेंगे। ये हल्का हल्का अपना कलर चेंज करते जाएंगे।
आपने इन सेवइयों को हमेशा दरमियानी आंच पर रखकर भूनना है और चम्मच को हल्के हाथ से चलाते जाना है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से जो है वो भून जाएं और पक जाएं। ये देखें व्यूअर्स, अब जो सेवइयों का है वो गोल्डन सा कलर हो गया है। इस कलर तक हम इसको भूनेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस कदर इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर ये दूध शामिल करेंगे और साथ ही ये चीनी ऐड करेंगे। जो मीठा और नमक होता है वो हमेशा हस्बे ज़रूरत डाला जाता है, इसको आप ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट कर लीजिएगा। साथ में हमने ये इलायची इसके अंदर शामिल कर दी, इलायची को हमने खोल लिया था। मैं इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद ये इसके अंदर गरी और बादाम शामिल करूँगी। यह हमने इसके अंदर गरी बादाम शामिल कर दिया और अब हम इसको 4 से 5 मिनट पकने के लिए रख देंगे। जैसे इसे 1 से 2 बॉईल आएंगे हमारी जो सेवइयां वो पककर तैयार हो जाएंगी। ये देखें जी, अब हमने इसको कवर कर दिया और इसको तकरीबन दरमियानी आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। जैसे इसमें 1 से 2 बॉईल आएंगे सूजी की सेवइयां तैयार हो जाएंगी। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह पककर तैयार होंगी। अभी मज़ीद 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकने में। बस ये जैसे ही थोड़ा सा पुशअप होगा हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चलें जी, 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। ये देखें जी, हमारी जो मज़ेदार सी सूजी की सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। एक दफ़ा आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, लेकिन मैं इतनी इसकी कंसिस्टेंसी रखूँगी और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने इसको डिश आउट करने के बाद गार्निश कर लिया है। आप अपनी मर्जी के नट्स के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मज़ेदार सी हमारी सूजी की सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये डिश पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आपको आज की हमारी ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।